हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला ने अपने पीजी डिप्लोमा कोर्सेज को द्विभाषीय करने का फैसला क्या किया, यहां आवेदन करने वालों की बाढ़ ही आ गई। नतीजन आज केंद्रीय विश्वविद्यालय ने देश की बाकी यूनिवर्सिटीज़ में युवाओं के आवेदनों की लिहाज से टॉप का पायदान हासिल कर लिया है। इस विश्वविद्यालय में पीजी कोर्सेज के लिए महज थोड़े से ही समय में देश भर से 70,000 के करीब छात्रों ने पीजी डिप्लोमा कोर्सेज करने की इच्छा जाहिर कर दी है, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। मुझे ये लगता है कि दिस इज अ डे रेदर फॉर मी फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि मैंने एक साल में जो लक्ष्य लेकर के चला था उसमें कितना कामयाब हुआ हूँ, और अगर कुछ गैप रह गया है तो आगे आने वाले समय के लिए वो मेरा लक्ष्य पहला होगा, और बाकी जो लक्ष्य हैं इस विश्वविद्यालय के लिए वो उसके बाद पूरा करूँगा। खुशी है मुझे इस बात की कि एक साल में हमने बहुत काम किया। मेरी पूरी टीम, मैं आज अपने विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, जिनके कारण हम एक साल में आज हम कह सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय देश में प्रथम विश्वविद्यालय बनकर के उभरा है। वो चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो 22-23 में, मुझे लगता है कि एक अग्रणी विश्वविद्यालय देश भर में जिसने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया। यही कारण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट हो, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो, या अन्यथा हमने जो बास्केट बनाई है या वैल्यू एडिड कोर्सेज, इस सत्र से जैसा मैंने कहा था कि हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज 9 और साथ में सर्टिफिकेट कोर्सेज 23 ऐसे जो हैं हम इस विश्वविद्यालय में इस सत्र से शुरू करने जा रहे हैं। बाईलिंगुअल को देखते हुए, बाईलिंगुअल हमारा विश्वविद्यालय अग्रणी विश्वविद्यालय बना है कि हम सारे के सारे विषय बाईलिंगुअल शुरू करने जा रहे हैं। हमने स्किल पे ध्यान दिया, यहाँ स्किल सेंटर बनाया, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट सेंटर बनाया, हमने प्लेसमेंट सेल यहाँ पर क्रिएट किया, और हमारे पास सीड मनी के रूप में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर टीचर्स को भी विद्यार्थियों को भी सीड मनी के रूप में, और उसका हमारा ये फ़ायदा हुआ कि आज ये विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अग्रणी विश्वविद्यालय बना है, जिसका एच इंडेक्स अपना 40 और आई इंडेक्स अपना 160 आज उभर करके आया है। देखिए, जब गत वर्ष मैंने ज्वाइन किया था, मैंने कहा था कि मेरा पहला टारगेट यही है, और आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है ये बताते हुए कि जो हमने नोडल एजेंसी तय की थी सीपीडब्ल्यूडी ने अपना कार्य पूरा कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है, 3 फर्म उनके द्वारा निकाली गई थी, और उसके बाद L1 उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है। उनकी बोर्ड मैनेजमेंट की मीटिंग होने वाली है एक हफ्ते में ये जो काम जो है ये अवार्ड हो जाएगा, और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रक्रिया दोनों कैंपसेज के लिए, जदरांगल धर्मशाला के लिए भी और देरा के लिए भी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस बार हमारे पास रिकॉर्ड एप्लीकेशंस, पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंट्रल लेवल पे जो है ये टेस्ट हो रहा है, और ये विश्वविद्यालय जो अपने आप में कई मायनों में अग्रणी विश्वविद्यालय बना है, उसी का रिजल्ट है कि आज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हमारे विश्वविद्यालय में सेंट्रल लेवल पे लगभग 70,000 एप्लीकेशन अप्लाई जो है वो विद्यार्थियों ने किया, अपने आप में रिकॉर्ड नंबर है एक विश्वविद्यालय के लिए। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पे की रिपोर्ट।